हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बच्चे आप सब? आई होप यू ऑल इज़ वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है आपकी 14। ये बेटा 6 क्लास की हिंदी की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। वर्कशीट रहेगी हमारी ये 24/8/2021 की। तो बेटा वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। तो प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने कृष्णा सोबती द्वारा लिखा हुआ सस्मरण बचपन का प्रथम भाग पढ़ा था, जिसमें हम लेखिका के बचपन में पहनने वाली पोशाकों के बारे में जाना था। चलिए आज हम जानते हैं कि लेखिका अपने बचपन में और क्या क्या करती थी। तो देखिए बच्चे, ये वर्कशीट आपकी NCERT की बुक से ही ली जाती है। तो आप एक बार जो है अपने पूरा पाठ कहानी जो कुछ भी दिया गया है उसको आप एक बार अपनी बुक से जरूर पढ़ें, ताकि आपको जो है वर्कशीट आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए पढ़ते हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। कौन कहता है ये बेटा? कृष्णा सोबती जी कहती हैं। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जाते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते, धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें नए जूते मिलते ही उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। यानी कि होता है ना बेटा, जो नया जूता होता है वो पैरों में थोड़ा सा टाइट होता है, जिससे क्या होता है, छाला हो जाता है। तो वही बात इन्होंने कही है यहाँ पर कि जो है नए जूते मिलते ही साथ में छालों का इलाज भी शुरू हो जाता था। जब कभी लंबे सैर पर निकलते तो अपने पास रुई ज़रूर रखते थे। क्या रखते थे बेटा? रुई, ताकि वो जो है जूते में हम लगा लें। आगे पीछे जहाँ भी जूता जो है हमें टाइट महसूस हो रहा है या छाला महसूस हो रहा है, उन्हें को वहीं रुई लगा लेते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर क्या होता है बेटा? सैटरडे, यानी कि शनिवार को हम ओलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर की सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगाड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे घर और तुम्हारे समय में, यानी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल चुकी हैं। तो ये तो बात है बेटा, हर पीढ़ी में अंतर आता रहता है। तो आगे दिए गए हैं बेटा इसके वर्कशीट के बेस पर कुछ प्रश्न उत्तर, कि लेखिका इतवार की सुबह को क्या क्या काम करती थी। तो वो अपने जूते धोती थी और उनको पॉलिश करती थी। हम लिखेंगे बेटा कि लेखिका जो है इतवार की सुबह अपने जूते धोती थी, उसके बाद अपने जूते पॉलिश करके उसे चमकाती थी। ये हम इसका आंसर लिखेंगे। सेकंड प्रश्न है हमारा, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर से क्या तात्पर्य है? कि जो है नए जूते होने पर यदि जूते पैरों को लगते तो उसमें रुई लगा ली जाती थी, ताकि सालों बचा जा सके। यानी कि छालो, यहाँ पर बेटा गलत प्रिंट हुआ है, हम लिखेंगे छालो। क्या लिखेंगे? छालों से बचा जा सके। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या दिया गया है। ओलिव ऑयल पीना लेखिका को कैसा लगता था बताइए। तो ओलिव ऑयल पीना लेखिका को एक बड़ा ही मुश्किल काम लगता था। वो कहते थे कि अगर इसको ना भी पियो शनिवारी दवा को तो कोई बिगड़ने वाला नहीं था कुछ। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या दिया गया है, कि लेखिका के समय में छालों का इलाज कब शुरू होता था। तो लेखिका के समय में छालों का इलाज जो है बचपन में नए जूते मिलते ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। तो यहाँ पर जो है हमने लिख दिया प्रश्न नंबर 4 का आंसर। प्रश्न नंबर 5 है कि लंबी सैर पर निकलते समय लेखिका अपने पास क्या रखती थी बेटा? अपने पास जो है मोजे रखती थी, छतरी, रुई या सभी। तो वो अपने पास जो है मोस्टली रुई रखती थी। आगे देखिए बेटा नए शब्द दिए गए हैं। शनिचर, शनिचर का क्या अर्थ होता है? शनिवार, जिसको हम सैटरडे बोलते हैं इंग्लिश में। मितली आना यानी कि उल्टी आना, वॉमिटिंग बोलते हैं। कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। ठीक है, अब आगे दिया गया है बेटा गतिविधि, की गतिविधि आप इतवार की सुबह क्या काम करते हो सूची बनाइए। तो इतवार की सुबह बेटा जो है सब एक तो थोड़ा सा लेट उठते हैं, ये बात तो सभी में होगी, हालांकि अच्छी बात नहीं है। एक तो सुबह उठकर भाई सुबह हाथ मुंह धोकर अपना चाय पानी पीना, उसके बाद जो है हम नहा धो लेते हैं, मम्मी की जो है घर के कामों में हेल्प करते हैं,
और जो भी संडे को एक्स्ट्रा काम होते हैं हमें वो करने होते हैं। तो इस तरह से आपके घर का जो भी शेड्यूल हो, आप अपनी मम्मी के साथ जो भी काम करवाते हो, जो भी आपका संडे का शेड्यूल हो, आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं, उसकी सूची बना सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कम्प्लीट। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।